मैं दिल्ली एनसीआर में आई हुई मेरी सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और साहित्य जगत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ में अपनी सखियों के साथ, बहनों के साथ, उन प्रखर कलमों के साथ जो हर मुद्दे पर अपनी बात उठाती रही हैं, उठाती रहे, यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। एक बार मैं करती हूँ कविता अक्का का, जो यहाँ पर उपस्थित हुई है अपनी पूरी टीम के साथ। एक बार जोरदार तालियां हम सब बजाते हैं कविता अक्का के लिए। सुमन जी अभी जिस प्रकार से मंच को संभाले हुई थी, जिस प्रकार से उन्होंने अभी यहाँ पर ये समा बांधा, जिस प्रकार से हमें अपना जो ये मैसेज, अपना जो संदेश आगे तक पहुंचाना है, हम कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। आज हम यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, एक शुभ अवसर है। लेकिन साथ ही मैं सूचित करना चाहूंगी कि यह दिन विशेष क्यों है कविता जी, कि आज एक ऐसी माँ की पुण्य जयंती भी है जिन्होंने नव भारत में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। आज जयंती है सावित्रीबाई फुले जी की, जिन्होंने आज बहुत लंबा संघर्ष पथ तय करते हुए हम बहनों बेटियों के लिए, नव भारत की आधुनिक महिलाओं के लिए एक रास्ता बनाया। मैं बिल्कुल आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ और इस जो कार्यक्रम की शुरुआत इन चार पंक्तियों से करती हूँ कि ये एक विडंबना है कि उस देश में जहाँ पर माटी को माँ का दर्जा है, जहाँ पर संपदा को श्री और लक्ष्मी माना जाता है, विद्या को सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आज अगर महिलाओं को यहाँ पर इस पंडाल में अपने अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हर उस व्यक्ति के लिए चेतने की बात है जो स्वयं को अपना कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार मानते हैं और मालिक समझते हैं। पंक्तियां रखती हूँ, यहाँ से बात शुरू करती हूँ। आप सबका समर्थन जितना इस मंच को मिलता रहेगा, जितना हमारी कलम को मिलता रहेगा, यह संदेशा उतना ही आगे तक जाएगा। हक समानता मर्जी का संसार नहीं मिलता। यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली इस भूमि में आज हम कहां आकर खड़े हैं, यह सोचने का विषय है। एक बार मैं उन पुरुषों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो हर तरह से हमारे साथ खड़े हैं, वो चाहे हमारे सुरक्षा कर्मी हो, हमारे मीडिया कर्मी हो, यहाँ पर येचुरी जी अभी आए, चंदन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने आज की इस टीम का संयोजन किया। मैं पहले चार पंक्तियां महिलाओं के हक की उस बात को, संदेश को रखने के लिए पढ़ती हूँ कि हक समानता मर्जी का संसार नहीं मिलता, है सर्वस्व निछावर फिर भी प्यार नहीं मिलता, और इससे बढ़कर क्या विडंबना होगी इस जग में कि जीवन देने वाली को अधिकार नहीं मिलता, कि जीवन देने वाली को अधिकार नहीं मिलता। प्रणाम करती हूँ इस समस्त मातृशक्ति को जो अपनी देहरी से लांग कर अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। चंदन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, येचुरी जी यहाँ बैठे हुए, और मेरे समस्त मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये किसी वर्ग की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, एक समेकित विचारधारा की लड़ाई है। हमारे बीच में चित्रा जी यहाँ पर बैठी हुई है, मेरी बहने यहाँ पर, मुस्कान जी, पूजा जी, बबिता जी और ज्योति जी बैठी हुई है। एक बार आप लोग खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें जो आज हमारे इसी संदेश को आगे बढ़ाएंगी। यहाँ पर जो भी हमारे पुरुष खड़े हैं, सुरक्षा कर्मियों से लेके मीडिया कर्मी तक, आप सबके लिए कहती हूँ, चंदन जी आपके लिए कहती हूँ कि है एक दूजे के पूरक, एक दूजे का सहारा है। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी है, है एक दूजे के पूरक, एक दूजे का सहारा है। पकड़ कर हाथ एक दूजे का दुनिया को सवारा है, और जुदा होंगी अगर राहें, अधूरा ये जहां होगा, अगर नारी है धरती तो पुरुष अंबर हमारा है, अगर नारी है धरती तो पुरुष अंबर हमारा है। ऐसा नहीं है कि हमको इस दुनिया में सिर्फ पितृ सत्ता चाहिए या सिर्फ मातृ सत्ता चाहिए। यह जमाना, यह दुनिया, ये संसद, ये राजनीतिक, ये व्यवसाय, ये घर परिवार तभी पूरे होंगे जब हम साथ होंगे। एक कविता से, कुछ संदेश की पंक्तियों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, फिर पहली कवियत्री को आमंत्रित करूंगी। कविता अक्का के सम्मान में एक बार तालियां बजाइए, मैं पंक्तियां निवेदित करना शुरू करती हूँ। शब्द मेरे हो सकते हैं, भाव मेरे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कविता जी को देखिएगा, यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक मातृ शक्ति को देखिएगा, बहन जी को देखिएगा, संदेशा हम सबके मन का है, चित्रा जी को देखिएगा, पंक्तियां रखती